दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से अल्लाह पाक ने एक सांप के जरिए से हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत फरमाई। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ बैठे हुए थे कि इतने में हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा आई और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गुम हो गए हैं। उस वक्त दिन चढ़ चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उठो और मेरे दोनों नवासों को तलाश करो। चुनाचे हर आदमी ने अपना रास्ता लिया और वहां से चल पड़ा, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता लेकर चल पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहां तक कि एक पहाड़ के दामन में पहुंच गए तो देखा कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों एक दूसरे से चिमटे हुए खड़े हैं और उनके पास एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा है जिसके मुंह से आग की चिंगारियां निकल रही हैं। दोस्तों शायद अल्लाह पाक ने नाग को भेजा था कि बच्चों को आगे जाने से रोक ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उस नाग की तरफ बढ़े। उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुड़कर देखा और फिर चल पड़ा और एक सुराख में दाखिल हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के पास गए और दोनों को एक दूसरे से जुदा किया और दोनों के चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरे माँ बाप तुम दोनों पर कुर्बान हो, तुम दोनों अल्लाह के यहाँ कितने काबिले इकराम हो। फिर एक को दाएं कंधे पर और दूसरे को बाएं कंधे पर बिठा लिया। मैंने कहा, तुम दोनों को खुशखबरी हो कि तुम्हारी सवारी बहुत ही उम्दा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों बहुत उम्दा सवार हैं और उनके वालिद उनसे बेहतर हैं। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से अल्लाह पाक ने हजरत हुसैन और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत की, यानी कि वो कहीं खो न जाए इसलिए सांप को उनके पास भेजा, जिससे वो दोनों सांप को देखकर एक जगह पर रुके रहें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उन्हें ढूंढ लें। अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।